Assalamualaikum dear students, welcome to Punjab Technical and Science Academy. मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील. स्टूडेंट्स, हम डी ए मैथ 212 और मैथ 233 चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करने जा रहे हैं और ये रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग है और सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर. हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द कर्व y is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 10. हमने यहाँ पर टर्निंग पॉइंट, ये क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी होती है. आप देख सकते हैं कि आपकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 जो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग उसके कुछ फर्स्ट 3 पार्ट हमने करने थे, ये क्वेश्चंस उन्हीं से रिलेटेड है. तो हमने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है. सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट, जो हमारे पास वेरिएबल है वो एक्स है, आपको पता है कि डिपेंडेबल वाई है, इसी की रिस्पेक्ट लेंगे इंडिपेंडेंट की ऑन बोथ साइड. तो d डिवाइड बाय dx into y is equal to d डिवाइड बाय dx और राइट साइड पर ये सबके साथ अप्लाई करेंगे. सो 2x क्यूब और माइनस में हमारे पास है 15x स्क्वायर प्लस 36x एंड प्लस 10. तो अब हमने क्या करना है कि ये हो गया हमारा dy ओवर dx और सब पे सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करना है. तो d डिवाइड बाय dx into 2x का क्यूब माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स टू 15x स्क्वायर प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 36x और लास्ट में आता है प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 10 जो कि कॉन्स्टेंट है और आप जानते हैं कि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है. तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट हमारा डेरिवेटिव के शुरू में आ जाएगा और हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स करके इनको सेपरेट करना है क्योंकि नेक्स्ट हमने जो है स्टेप में इसका डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करना है. तो ये आ जाएगा हमारा माइनस में 15 जो है वो डेरिवेटिव के शुरू में आ जाएगा. इसमें हमने एक्स स्क्वायर पे पावर रूल अप्लाई करना है एंड प्लस यहाँ पे हमारे पास 36 आ गया और डी डिवाइड बाय डी एक्स इन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है हमने एक्स का डेरिवेटिव लेना जो कि 1 होगा और जबकि 10 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जैसे मैंने पहले बताया था कि ये 0 होगा. तो डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये 2 को हम बाय निकाल लेते हैं, यहाँ पे पावर रूल हमने एक्स क्यूब का लेना है. तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पावर यानी क्यूब में 3 शुरू में आ गया, पावर हमने इस एक्स की एक कम करके लिखनी है और विदाउट पावर सी की बेस एक्स का डेरिवेटिव लेना है. ये मैं डी एक्स थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. ले जी, उसके बाद माइनस में आ गया हमारे पास 15 और यहाँ पर हमने अगेन पावर रूल लेना है. तो पावर शुरू में एक्स लिखेंगे, पावर हम एक कम करके और विदाउट पावर उसी बेस का एक्स का डेरिवेटिव लेना और प्लस में हमारे पास यहाँ पे 36 आ गया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया. अब तो हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है. सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू अब देख सकते हैं 2 3 3 हो गया आपका 6, ये आपका x का स्क्वायर हो गया, इसका डेरिवेटिव आ गया 1. फिर माइनस आपका हो जाएगा 15 टू द 30, x हो गया और इसका डेरिवेटिव 1 हो गया और प्लस आपके पास आ जाएगा 36. तो अब हमने देखना है यहाँ पर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास डेरिवेटिव है 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36. तो ये आपका 6 से सारे के सारे कटिंग तो होते हैं लेकिन हमें पहले क्रिटिकल वैल्यू या टर्निंग पॉइंट के लिए डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स को 0 डिक्लेयर कर देना है. ये 0 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36. अब हम इसको इस तरह से लिखें या फिर 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू 6 पे डिवाइड होती हैं. हम यहाँ पे डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड कि हम 0 को भी 6 पे डिवाइड कर देंगे. ये 6 हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. 6 1 था 6 6 5 था 30 एंड 6 6 था 36. तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. आपको फैक्टराइज करना है तो वो सिंपल कर लें इस तरह से कि एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर है कि हम इसको प्लस एक्स कर लेते हैं और माइनस 6x कर लेते हैं जिससे हमें माइनस 5 मिल जाएगा. लेकिन एक मसला आएगा इस फैक्टर में, मैं आपको दिखा देता हूँ. मसला ये आएगा कि देखिए हमारे पास 3 वैल्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो इससे जो है वो कॉमन लेकर एक वैल्यू आपके अंदर एक पेयर में नेगेटिव साइन बन रही होगी, लिहाजा हम ये फैक्टर पेयर चूज नहीं कर सकते. आसान तरीका क्या है, आपको फर्स्ट ईयर में जैसे फैक्टराइजेशन में हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो 6 आ गया, हमें यहाँ पर 6 के टेबल को इस तरह पढ़ना है कि 2 3 6 3 1 3, तो हमारा हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा और 6 1 6, ये दो टेबल है जिस पर 6 7 ही होगा. हमें यहाँ पर चाहिए माइनस 5 और दोनों वैल्यू जो पेयर बने वो नेगेटिव होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, कंडीशन है.
हमारे पास ये वैल्यू हो सकती है कि माइनस टू और माइनस थ्री किया जाए तो हमें माइनस फाइव मिले, मीन के माइनस टू एक्स एंड माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स। ये फैक्टर हम चूज कर सकते हैं, फैक्टर को भी हम नहीं चूज कर सकते क्योंकि ये भी फेल हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस में टू एक्स और माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब हमने यहाँ से पेयर्स बनाने हैं तो x इंटू एक्स माइनस टू आ जाएगा क्योंकि देखिए इसमें से एक x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया और 2 के साथ भी जो x है वो भी बाहर आ जाएगा, तो इसमें एक x बच गया और उधर माइनस में 2 है। माइनस थ्री वन द्री और x अंदर आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, थ्री टू दिक्स इज इक्वल टू जीरो। दो पेयर्स आप देखते हैं यहाँ पे, दो तो चीजें सेम है ना, x माइनस टू इनको एक बार लिख लें, बाकी आपके पास x माइनस थ्री आ गया तो ये दो पेयर्स बन गए। इन दोनों को जीरो को इक्वल कर देंगे तो आपके पास जो है वो क्रिटिकल वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी, या जिसको आप टर्निंग पॉइंट कहते हैं। x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड ऑल्सो डेट द x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। वन इज x इक्वल टू टू एंड द सेकेंड इज x इक्वल टू थ्री। हमारे पास जो है वो x के दो रूट्स हैं, दो आंसर्स हैं। बुक में आप देख सकते हैं कि x की वैल्यूज क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं जिसमें x की दो वैल्यूज हैं टू एंड थ्री। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप के स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। क्रिटिकल वैल्यू और टर्निंग पॉइंट, इसमें आपने देखा हमारी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनी, जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास एक्स की पावर टू में आ रही थी। इसका मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में ना आपके दो रूट्स आने चाहिए, एक्स की दो वैल्यूज होनी चाहिए, क्रिटिकल की टू वैल्यूज आ गई है और जो हमने यहाँ पर सोल्व की। उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।